हाय एवरीबॉडी, दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इंग्लिश में बोलना या लिखना कोई भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमको सिर्फ एक प्लान के तहत इंग्लिश को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स। अगर आप आज ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश लेसन 7, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको मेरे चैनल पे जाके जो प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स की, उनमें जाके सारे लेसन्स एक एक करके देख लेने चाहिए, जिससे कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश लेसन 7 पार्ट 1। आज हम पार्ट 1 करेंगे दोस्तों, और अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टू बी। बी का मतलब होता है होना, और आज हम उसका पास्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बी अपने ओरिजिनल फॉर्म में कम ही इस्तेमाल होता है। बी के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट में बी के 3 फॉर्म्स हैं, एम इज आर, और पास्ट में बी के 2 फॉर्म्स हैं, वॉज एंड वर। वॉज का मीनिंग होता है दोस्तों था या थी, एंड वर की मीनिंग होती है थे। तो था या थी या थे। तो दोस्तों, आज हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि अगर मुझे कहना हो कि मैं खुश था, या मैं नाराज था, या वो मेरे साथ था, या वो लोग बहुत ही एक्साइटेड थे, इस तरह के सेंटेंसेस, अगर मौसम बड़ा ही अच्छा था, अगर हमको बनाने हो, तो हम कैसे इन बातों को बोल सकते हैं, इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, यही आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर रहा दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य, जिस सेंटेंस से हाँ का पता चलता हो। जैसे मैं खुश था, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और मैं खुश नहीं था वो एक नेगेटिव सेंटेंस होगा, नकारात्मक वाक्य होगा। तो हम दोनों ही तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है वो सीखते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस का। तो ये है सब्जेक्ट प्लस बी। बी का मतलब है वॉज या वर, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। किस सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज होगा, किसके साथ वर यूज होगा, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो सब्जेक्ट प्लस बी यानी वॉज या वर। उसके बाद दोस्तों, या तो नाउन का इस्तेमाल करेंगे, या एडजेक्टिव, या प्रेपोजिशनल फ्रेज, या नहीं तो एडवर्ब। तो दोस्तों, मैं अपने पहले के लेसन्स में ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि ये क्या होते हैं, यानी कि एक नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। लेकिन मैं, अगर आप आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नाउन दोस्तों, दुनिया का कोई भी आदमी, दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी जगह, सब नाउन है। तो उस हिसाब से इस पूरे यूनिवर्स में हमको जो भी चीज़ें दिख रही हैं, सारी की सारी नाउन्स है। उसके बाद दोस्तों एडजेक्टिव। तो या तो हमको नाउन यूज़ करना है, या एडजेक्टिव यूज़ करना है, या कभी कभी दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी पाबंदी नहीं है कि सिर्फ नाउन ही यूज़ करेंगे या सिर्फ एडजेक्टिव ही यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में वैसी रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है, तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव दोस्तों होता है विशेषण, हिंदी में कहते हैं इसको। एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बता दे, तो वही एडजेक्टिव है। तो हम जैसे हैप्पी, स्मार्ट, सैड, वरीड, एक्साइटेड, ये सब के सब एडजेक्टिव्स हैं, तो एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। नहीं तो प्रेपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, इसके लिए हमको ये समझना चाहिए कि फ्रेज क्या होता है। तो दोस्तों, फ्रेज ऐसा शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिससे हमको थोड़ी सी मीनिंग मिलती है। और फ्रेजेस का इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में करके हम अपनी बात को अच्छी तरह से कह सकते हैं, लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो ऐसा फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक प्रेपोजिशन हो, को ही प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। जैसे इन द क्लासरूम, क्लासरूम में, एट होम, घर पर, या आप बोल सकते हैं बिहाइंड मी, मेरे पीछे, या बिसाइड मी, मेरे बगल में। तो दोस्तों, ये जितने फ्रेजेज मैंने अभी बोले, प्रेपोजिशनल फ्रेजेज, इनमें सब में एक से ज़्यादा वर्ड्स थे, तो एक से जैसे ज़्यादा वर्ड्स होंगे ये फ्रेज हो जाएगा, और उनमें अगर कोई प्रेपोजिशन हो तो उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। जैसे इन द क्लासरूम में 3 वर्ड्स हैं, तो ये एक फ्रेज हो गया, थोड़ी सी मीनिंग मिल ही रही है कि क्लासरूम में कोई है, और इसमें इन एक प्रेपोजिशन है, तो इसको, इन द क्लासरूम को, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जाएगा। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का इस्तेमाल स्थान को बताने के लिए, मानसिक स्थिति को बताने के लिए, इत्यादि के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद दोस्तों एडवर्ब। तो हम सेंटेंस में एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, अगर सेंटेंस में वैसी रिक्वायरमेंट है तो। तो एडवर्ब क्या होता है दोस्तों? अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में, संक्षेप में बता दूं, तो एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक एडजेक्टिव, एक वर्ब या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी उसकी विशेषता को बताता है। यानी कि एक एडवर्ब एक बड़ा ही पावरफुल वर्ड है। एडवर्ब्स हमको अच्छी तरह से सीखने चाहिए, और सेंटेंस में उनकी प्लेसमेंट कहाँ पर होती है ये हमको ज़रूर सीखना चाहिए। अगर आप इसको ठीक से सीखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं एडवर्ब्स की क्या प्लेसमेंट होती है सेंटेंस में, उस पर भी एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा।
तो दोस्तों ये था अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा फेर बदल नहीं करना होता, आपको अफर्मेटिव के सेंटेंस में नॉट ऐड करना है। नो भी कभी कभी लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर नॉट का ऐड का इस्तेमाल होता है। तो सब्जेक्ट प्लस बी यानी कि वॉज या वर्ड प्लस नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव या प्रेपोजिशनल फ्रेज या एडवर्ब, मतलब कि बाकी का स्ट्रक्चर वही है, सेम है जैसा अफर्मेटिव सेंटेंस का था। दोस्तों स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म्स में ज़्यादा बोलते हैं हम लोग, तो शॉर्ट फॉर्म्स का भी स्ट्रक्चर हमको पता रहना चाहिए। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो शॉर्ट फॉर्म है उसका भी मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दिया है। तो वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ये वॉज और नॉट को एक साथ शॉर्ट में लिखा वॉजंट, और पढ़ेंगे दोस्तों इसको वॉजंट। उसके बाद दोस्तों ये वर और नॉट को एक साथ यहाँ पर लिखा वरंट, तो ये शॉर्ट फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस वॉजंट या वरंट, और उसके बाद बाकी का स्ट्रक्चर सेम है, या तो नाउन या एडजेक्टिव या प्रेपोजिशनल फ्रेज या एडवर्ब। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स या कंस्ट्रक्शन, इन्हीं की बेसिस पर, इन्हीं के आधार पर हमको अपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है। अच्छा दोस्तों आपको पता ही होगा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड होता है जिसके बारे में उस सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि राहुल इज़ माई फ्रेंड, तो उस सेंटेंस में मैं राहुल के बारे में बता रहा हूँ कि राहुल मेरा दोस्त है, इसीलिए चूंकि उस सेंटेंस में राहुल के बारे में कुछ बात की जा रही है इसलिए राहुल ही सब्जेक्ट होगा। तो उस सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो, या अगर कोई आपको कुछ कुछ काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा हो, तो जनरली वही सब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट दोस्तों हमारे क्या क्या हो सकते हैं, तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं और सब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, इस बात को आपको याद रखना चाहिए, इससे आपको सेंटेंस बनाने में बड़ी आसानी होगी। तो कुछ प्रोनाउंस हैं जो हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट बनते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, तो उन्हीं को मैं सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ इस्तेमाल करूँगा। तो उनमें से पहला है आई। आई की मीनिंग आप जानते ही होता है मैं, और आई के साथ आपको वॉज या वर में से वॉज का इस्तेमाल करना है, आई वॉज। उसके बाद दोस्तों वी, वी की मीनिंग होती है हम या हम लोग या हम सब, वी के साथ आपको वॉज या वर में से वर का इस्तेमाल करना है, वी वर, हम थे, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यू, यू के बारे में दोस्तों हमको एक बात जाननी चाहिए कि यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, एक वचन भी है और बहुवचन भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यू की मीनिंग तुम या आप सिंगुलर एक वचन में हो सकती है, या तुम सब या आप सब बहुवचन में हो सकती है। यू के साथ दोस्तों हमको वर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों ही, ही की मीनिंग होती है वह, और ये किसी भी एक सिंगल मेल के लिए, किसी भी एक लड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे, ही के साथ वॉज का इस्तेमाल करना है हमको। उसके बाद है शी, शी की भी मीनिंग होती है वह, और किसी भी एक सिंगल फीमेल के लिए, और शी के साथ भी हमको वॉज का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों इट, इट की मीनिंग है यह, और ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, किसी एनिमल के लिए, जानवरों के लिए भी इट का ही हमको इस्तेमाल करना चाहिए, अगर हम किसी भी एनिमल के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, या इंसानों के जो छोटे बच्चे होते हैं जो गोद में होते हैं उनके लिए भी हमको प्रोनाउन इट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इट के साथ दोस्तों वॉज का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास दे, दे की मीनिंग है वे या वे सब या वे लोग, और दे के साथ हमको वर का इस्तेमाल करना चाहिए, दे वर यानी वे थे। अच्छा दोस्तों यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि ही शी इट और दे की जगह पर आप किसी नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वी और यू की जगह पर तो कभी किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन ही शी इट और दे की जगह पर किसी भी नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ही शी इट और दे थर्ड पर्सन है जिनके बारे में हम कुछ बताते हैं। तो जब हम किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं तो हम उसके लिए ही भी बोल सकते हैं और उसका नाम भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी नाउन, जैसे ही की जगह पर आप किसी का नाम, किसी लड़के का नाम जैसे मनीष, राहुल, ये सब बोल सकते हैं। शी की जगह पर किसी भी लड़की का नाम जैसे ज्योति, रुचि, ये सब नाम आप बोल सकते हैं। इट की जगह पर कोई भी नॉन लिविंग थिंग का नाम, बुक, एलिफेंट, ये सब इस्तेमाल किया जा सकता है। और दे की जगह पर बॉयज़, गर्ल्स या नॉन लिविंग थिंग्स, बुक्स या एनिमल्स, एलिफेंट्स, ये सब भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इनको भी अपना सब्जेक्ट आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे स्ट्रक्चर्स और ये थे सब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब हम सीखते हैं कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके हमको सेंटेंसेस कैसे बनाने चाहिए। तो दोस्तों मैंने कुछ एक सेंटेंसेस यहाँ पर बनाए एग्जांपल्स, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला सेंटेंस मैंने बनाया कि कोई बता रहा है अपने बारे में, आई वॉज वरिड, मैं चिंतित था, मैं परेशान था, तो आई वॉज वरिड। अब दोस्तों ये समझते हैं कि सेंटेंस बना कैसे, तो ये सेंटेंस दोस्तों ऐसे बनाया, सब्जेक्ट है आई, कि आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करना है, तो हमने इसमें से वॉज ले लिया, आई वॉज,
और वरिड दोस्तों एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है चिंतित या परेशान। आई वॉज वरिड, मैं चिंतित था। अगर उसको कहना है नहीं मैं चिंतित नहीं था, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस हमको बनाना हो तो नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों यहां पर बनाया मैंने, आई वॉज नॉट वरिड, मैं चिंतित नहीं था। तो ऐसे बना दोस्तों, ये रहा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, आई वॉज नॉट वरिड एक एडजेक्टिव है, आई वॉज नॉट वरिड। आप चाहे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं ऐसे, आई वॉजंट वरिड। तो आई वॉज वरिड, आई वॉज नॉट वरिड, आई वॉजंट वरिड, तीनों फॉर्म्स में, तीनों स्ट्रक्चर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों एक सेंटेंस बनाया कि वो यहां था, कोई किसी के बारे में बता रहा कि हाँ हाँ वो तो यहीं था, वो यहां था, ही वॉज हियर। दोस्तों ये कैसे बनाया सेंटेंस, ही वॉज और हियर जो है वो एक एडवर्ब है, तो ही वॉज हियर, हाँ हाँ वो यहीं था। नहीं अगर बोलना हो नहीं वो यहां नहीं था, तो हमने कहा ही वॉज नॉट हियर, वो यहां नहीं था। और इसी बात को अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो तो हम कहेंगे ही वॉजंट हियर एडवर्ब, ही वॉजंट हियर, वो यहां नहीं था। आई वॉज देयर, मैं वहां था। आई वॉज नॉट देयर, मैं वहां नहीं था। आई वॉजंट देयर, मैं वहां नहीं था, शॉर्ट फॉर्म। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को देख के और इन एग्जाम्पल्स को देख के आप इस तरह का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आपको कहीं आप गए थे पार्टी में और आप खाना खा के आए और किसी ने पूछा खाना कैसा था, आप बता रहे खाना तो बहुत ही अच्छा था, स्वादिष्ट था, तो आपको बोलना चाहिए द फूड वॉज डिलीशियस या टेस्टी, एडजेक्टिव है, तो डिलीशियस या टेस्टी का मीनिंग होता है स्वादिष्ट। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, अगर ज़रा सा स्ट्रक्चर को समझ लिया जाए तो इंग्लिश में लिखना या बोलना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आपके सामने आप देख ही रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल बनाए कि कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग थे, कुछ लड़के थे जिनके बारे में कोई किसी से पूछ रहा है कि वे लोग कौन थे, तो जिससे पूछा जा रहा है वो बता रहा है कि वे मेरे दोस्त थे, तो उसने कहा दे वर माई फ्रेंड्स। अब दोस्तों दे के साथ हमको वर का इस्तेमाल करना है, तो दे वर माई फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त थे, ऐसा कोई बता रहा है नहीं। अगर वो मना कर रहा है कि वे मेरे दोस्त नहीं थे तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस बनाया यहाँ पर, दे वर नॉट माई फ्रेंड्स। कैसे बनाया स्ट्रक्चर से अगर समझें, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वे मेरे दोस्त थे, दे वर माय, दोस्तों यहां पर लगाए माय एक पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यहां पर काम करेगा, और दे वर माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नाउन है, तो दे वर माय फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त थे। और अगर बोलना हो नहीं वे मेरे दोस्त नहीं थे, दे वर नॉट माय फ्रेंड्स, तो आपको सिर्फ नॉट ऐड करना है, दे वर नॉट माय फ्रेंड्स। ये ऐसे बना सेंटेंस दोस्तों, दे वर नॉट माय, एडजेक्टिव पहले लग गया उसके बाद नाउन फ्रेंड्स, दे वर नॉट माय फ्रेंड्स। अगर आप इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहें तो आपको कहना चाहिए दे वरंट, ऐसे ये दोस्तों शॉर्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर, दे वरंट माय फ्रेंड्स, तो दे वर नॉट माय फ्रेंड्स, दे वर माय फ्रेंड्स, दे वर नॉट माय फ्रेंड्स, दे वरंट माय फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों कोई अपने बारे में बता रहा है कि अरे यार मैं बहुत थक गया था, काफी थका हुआ, को एग्जॉस्टेड भी बोल सकते हैं, टायर्ड तो दोस्तों है ही, थका हुआ, एग्जॉस्टेड भी एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा थका हुआ, जब पूरी शक्ति शरीर से निकल गई हो। तो कोई बता रहा है आई वॉज एग्जॉस्टेड, तो कैसे बनाया दोस्तों सेंटेंस, आई वॉज एग्जॉस्टेड, ओह आई वॉज एग्जॉस्टेड यू नो सो आई कुडंट कम, मैं काफ़ी थक गया था इसीलिए मैं आ नहीं सका, आई वॉज एग्जॉस्टेड। किसी और के लिए बताया जा रहा है, वो तो बहुत ही खुश थी, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। दोस्तों ये सेंटेंस कैसे बनाया, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी में सीखने के लिए क्या क्या है, शी वॉज हैप्पी तो एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली क्या है दोस्तों, तो दोस्तों एक्सट्रीमली एक एडवर्ब है जो इस एडजेक्टिव के पहले ही यूज किया मैंने। अगर मैंने यहां स्ट्रक्चर में एडवर्ब को एंड में लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एडवर्ब को हमेशा एंड में ही यूज करेंगे, अगर सेंटेंस में रिक्वायरमेंट है तो हम एडवर्ब को एडजेक्टिव के पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक एडवर्ब का काम ही होता है एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, यानी एक एडजेक्टिव की विशेषता को बताना, एक एडवर्ब, एक एडजेक्टिव, एक वर्ब और एक दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है। तो दोस्तों उस तरीके से लिखा एक्सट्रीमली, यहाँ पर एडवर्ब का यूज़ किया, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे ऐसे दोस्तों किसी काम के लिए, कोई किसी काम के बारे में कोई किसी को बता रहा है जो बहुत ही मुश्किल था काम, तो कोई बता रहा है इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट सब्जेक्ट है, वॉज, इट के साथ वॉज का इस्तेमाल करना है हमको, इट वॉज, तो मैंने लिखा इट वॉज डिफिकल्ट, एक एडजेक्टिव है लेकिन वेरी एक एडवर्ब है जो डिफिकल्ट के पहले यूज हुआ है, क्योंकि डिफिकल्ट को क्वालिफाई कर रहा है, डिफिकल्ट की विशेषता बता रहा है कि मुश्किल में भी बहुत मुश्किल था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। नहीं तो अगर इस बात को नेगेटिव का स्ट्रक्चर लेके बोल रहा हूँ कि ये आसान नहीं था, तो कहा गया इट वॉज नॉट ईजी। कैसे बना दोस्तों सेंटेंस, इट वॉज नॉट ईजी,
इसी को आप चाहे तो शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, इट वॉजेंट ईजी, तो ऐसे भी कहा जा सकता है दोस्तों। ऐसे दोस्तों कुछ बच्चों के लिए बता रहा है जो बहुत ही बताया जा रहा है जो बहुत ही एक्साइटेड थे किसी बात को लेके, द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड। अब दोस्तों चिल्ड्रन प्लूरल है, बहुवचन है, तो चिल्ड्रन दे की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। दे के साथ हमको वर का इस्तेमाल करना होता है, इसीलिए चिल्ड्रन के साथ वर का इस्तेमाल हुआ है, द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड। ऐसे बनाए दोस्तों सेंटेंस, द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड एक एडजेक्टिव है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उत्साहित थे कि हमको अभी कुछ कहीं जाने को घूमने को मिलेगा मिलेगा। ऐसे दोस्तों एक कोई किसी रूम में गया था जो कि बहुत ही गंदा था, तो उसके बारे में किसी को बता रहा है कि रूम तो गंदा था बहुत, कमरा, द रूम वॉज डर्टी। ऐसे बना दोस्तों सेंटेंस, द रूम वॉज डर्टी। डर्टी एक एडजेक्टिव है। तो दोस्तों नाउन या एडजेक्टिव या प्रेपोजिशनल फ्रेज या एडवर्ब किसी भी वर्ड का आप इस्तेमाल सेंटेंस में कर सकते हैं, जैसा सेंटेंस की मैं ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही दोस्तों किसी के बारे में कोई बता रहा है किसी को कि वो बहुत ही अमीर था, ही वॉज वेरी रिच, तो ही सब्जेक्ट है दोस्तों, ही वॉज रिच एक एडजेक्टिव है, उसके पहले वेरी, फिर से मैंने एक एडवर्ब का इस्तेमाल किया आपको ये बताने के लिए कि आप एडजेक्टिव के पहले भी एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों शी वॉज वेरी सैड एक एग्जाम्पल बना है, किसी के बारे में कोई बता रहा है कि वो बहुत ही उदास थी, शी वॉज वेरी सैड। बिल्कुल सेम उस इसी तर्ज पे दोस्तों ये सेंटेंस ही होना है, शी वॉज वेरी, हमने यहाँ पर एडजेक्टिव के पहले इस्तेमाल किया जो कि एक एडवर्ब है, और सैड एक एडजेक्टिव है, शी वॉज वेरी सैड, वो बहुत ही दुखी थी या उदास थी। ऐसी किसी मकान के लिए बताया जा रहा है जो भूतिया मकान था जिसमें भूत रहते थे, तो कोई बता रहा है द हाउस वॉज हॉन्टेड। हॉन्टेड का मीनिंग है दोस्तों जिस वो जगह जहाँ भूत रहते हो, द हाउस वॉज हॉन्टेड एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। और उसके बाद दोस्तों किसी के पास कोई डॉगी था तो उसके डॉगी के लिए बता रहे कि वो बहुत ही वफादार था, कुत्ता, कुत्ते होते ही वफादार, द डॉग वॉज लॉयल। तो दोस्तों लॉयल एक एडजेक्टिव है, ऐसे बनाया दोस्तों सेंटेंस, द डॉग वॉज लॉयल, कुत्ता वफादार था। अगर आपको यहाँ एक एडवर्ब का इस्तेमाल करना हो कि कुत्ता बहुत ही ज़्यादा वफादार था, तो आप लॉयल जो एडजेक्टिव है उसके पहले एक एडवर्ब का इस्तेमाल, जैसे वेरी, एक्सट्रीमली, क्वाइट, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा सेंटेंसेस बनाना कितना आसान है टू बी के स्ट्रक्चर में या किसी भी स्ट्रक्चर में, हमको बेसिकली सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स की, तो उसमें जाके आप लेसन सीख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों मेरे चैनल पे और भी प्लेलिस्ट हैं, इंग्लिश ग्रामर की एक प्लेलिस्ट है, वोकैबुलरी की एक प्लेलिस्ट है, एक सेंटेंस मेकिंग जिसमें अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं आप, उनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसकी भी एक प्लेलिस्ट है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको हर प्लेलिस्ट में जाके जो आपके ज़रूरत की चीज़ है उसको आपको सीख लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है इंग्लिश में या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है या कोई ऐसा वोकैबुलरी या कोई प्रोनंसिएशन कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं आप जो आपको अभी नहीं पता और आप चाहते हैं कि मैं आपको उसके बारे में बता दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं अगले वीडियो में अगली बार मैं आपको वही वीडियो बना करके दे दूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी मैं एक नया वीडियो डालूंगा। और आपने काफ़ी टाइम दिया मुझे, थैंक यू वेरी मच, मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।